हम इस वक्त नांदुरा पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर वडनेर भूल जी का जो एक प्रकरण हुआ और जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पे इन्होंने तकरार दर्ज की थी, उन्होंने वहाँ पर उनकी तकरार को यहाँ पर भेजा गया और ये लोग सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनके जिला अध्यक्ष भी लोग आए हुए हैं, हमारे दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी बहुत से लोग यहाँ पर है और इनसे पूछी कि घटना का वहाँ का मैटर यहाँ क्यों भेजा गया, इसलिए हमें इनके जिला अध्यक्ष से दो बातें करें। काल के दिवसी दिनांक 17 रोजी संध्याकाळच्या अंदाजे 5:30 सुमारास वडनेर भुजी गावातील सीमा शिवाजी चंदनशिव ही तरुण महिला राहते, मोलमजुरी करून आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करते, परंतु काल संध्याकाळी तिच्या घरामध्ये त्या गावातील गुंड प्रवृत्तीचा असणारा नेहमी गावामध्ये दादागिरी करणारा गुंडगिरी करणारा ऋषिकेश देशमुख नावाचा इसम हा सदर सीमा तिच्या घरामध्ये घुसून तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला, तिला जबरी मारहाण केली, तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली, जातीवाचक शिविगाळ सुद्धा त्या हरामखोराने त्या सीमाला केलेली आहे। अशा प्रकरणामध्ये तिचा मालक हा पुलिसचा नावाच्या धाब्यावर मोलमजुरी करतो, तो घरी आल्यानंतर सदर प्रकरणाची दाद मागण्यासाठी सीमा तिचा परिवार आणि काही सामाजिक स्तरातील लोक हे आउटपोस्ट वडनेर भुर्जीला गेले, परंतु तिथं सुद्धा एनसी दाखल करून सदर प्रकरणामध्ये कुठला न्याय मिळालेला नाही आहे। सर हमको तो ये मालूम पड़ा कि वो ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्टर या जानवरों का, तो अपने इंप्रेशन लोगों को बता रहा क्या, मेरे तुमसे जो होता मैं कर लो, ऐसे हमको सुनने में बराबर है वो ऐसा करता, लेकिन उनकी वो गांव में दादागिरी गुंडागिरी चल रही है, इसलिए उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, लोग डरते हैं उसे। तो ग्राम पंचायत ने तो ऐसे सदस्य की सदस्य कैंसिल कर रद्द करना चाहिए ना। अभी कैसा हो गया, गुंडा ही मर्द कहलाएगा, साधु पे पत्थर गालिया, वहां भी तुम्हारा राज रावण को भी लजवा दिया, ऐसी बात हो रही है अभी राजनीति के अंदर, इसलिए सब लोग उसको डर रहे, गरीब लोग। वडनेर भुजी के पॉलिटिशियन में मैं भी था, वहाँ पर एक फोन आया कि तुमसे जो होता कर लो, मेरे पास पैसा है बहुत कुछ है, मैं पैसे के बलबूते सब कुछ कर लो। वो अभी भी धमकी दे रहा है इस परिवार को, समाज के गरीब लोगों को धमकी दे रहा है, अगर तुम मेरी रिपोर्ट लिखवाएंगे, मेरी तकरार लिखवाएंगे, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो सर सर इन्होंने एनसी रिपोर्ट पहले लिखा है ना, जबकि वहाँ पॉलिटिशियन में जब महिला ने तकरार करी मेरे को मार जोड़ कर मारा, गिरा गिरा के मारा, तो ये एनसी रिपोर्ट नहीं होना ना। अभी बात ये है, अभी ये पढ़ने के बाद भी यहाँ की पुलिस प्रशासन वहाँ पे एनसी दाखिल करती है। इन्होंने इसमें कलम में डाले 323 504 504 जबकि ये शादी कलम है ना, ये महिला ने एनसी मतलब नॉन क्रिमिनल मैटर, नॉन क्रिमिनल मैटर, इसमें ये नॉन क्रिमिनल मैटर नहीं, ये बात गंभीर है। महाराष्ट्र के अंदर जो पुरोगामी महाराष्ट्र अपन बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का, बाबा साहेब फुले का महाराष्ट्र बोलते हैं, तो ये बाप जो है ये बहुत गंभीर बाप है, लेकिन प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, तो ये गरीब की भाई है, ये दलित समाज की भाई है, पिछड़ी समाज की भाई है, इसलिए उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। ऐसा गरीब लोगों पर कब तक अत्याचार चले, अभी तो ये मालिका चल रही पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर अन्य अत्याचार की एक मालिका चालू है, इसका एक भाग वडनेर भुजी में कल हो गया, ये मालिका है। तो ये वहाँ पर हमारे एक पत्रकार मैडम भी थे, हमारे बोचरी मैडम जी, सीमा बोचरी मैडम जी, ये भी पत्रकार थे, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं सुन रहा था, हम इनसे दो बातें पूछे। जब मैं पुलिस स्टेशन में गई तो मैंने महिला को पूछा, उन पे अत्याचार हुआ, लेकिन इन्होंने पुलिस स्टेशन वालों ने जो पुलिस प्रशासन है, इन्होंने एनसीआर दाखिल करने की वजह से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, इनको न्याय देना चाहिए था। अगर ऐसे ही धमकी देते रहे, आज एक महिला पे अत्याचार हुआ और कल इसके भी आगे और भी महिला पे अत्याचार होगा, इनकी गुंडागर्दी कब तक चलेंगे ऐसे। ये तो यहाँ पे थाने साहब ने बोले कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, डीवाईसी साहब के हाथ में एट्रोसिटी के मुझे दाखिल करना, अब उधर से कब आता क्या आता, जब तक हम लोगों सब लोगों को आपको रुकना पड़ेगा, आप कब तक रुकेंगे? कब तक रुकेंगे नहीं, इसके आगे कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी तो डीवाईसी साहब का तो कुछ भी पछताव है ही नहीं ना, वहाँ तक तो कागज ही नहीं पहुँचे ना, तो रुकेंगे जब तक ऐसे घूमते रहेंगे, कागज घूमते नहीं रहेंगे। जब आरोपी आता जो आरोपी है वो फरार हुआ है वडनेर भुलजी से, जबकि उन्होंने गुनाह दाखिल, उसका गुनाह होके भी वो आज से फरार हुआ है, पुलिस प्रशासन के निवेदन है कि उसे जल्दी जल्द पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। जिस इंसान ने, जिस महिला ने मार खाई है, वो बेचारी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, जिसने मारा है वो आजादी से घूम रहा है, ऐसा
लोकशाही के अंदर बहुत ऐसा चल रहा है कि यहाँ लोकशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। ऐसे आरोपी को यहाँ पे जल्द से जल्द अटक कर उस पर गुनाह दाखिल करना चाहिए। अमित खान के साथ में साबिर खान, नांदूरा।